हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज वेलकम अगेन इन माय चैनल श्रीवास्तव एजुकेशन प्लांट। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2G, एनी कैरेक्टर्स इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द कैरेक्टर एंटर्ड इज ए कैपिटल लेटर, ए स्मॉल केस लेटर, ए डिजिट और ए स्मेस सिंबल। द फॉलोइंग टेबल शोज द रेंज ऑफ एस्काई वैल्यू फॉर वेरियस कैरेक्टर्स। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको एक कैरेक्टर कीबोर्ड से एंटर करवाना है और बाद में उसे चेक करना है क्या वो कैपिटल लेटर है या स्मॉल केस लेटर है, कोई डिजिट्स है या स्पेशल सिंबल है। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आप एक टेबल गिवन है, एक साइड कैरेक्टर्स और राइट साइड में एस्काई वैल्यू। तो आपको पता है कि हर कैरेक्टर को हम एस्काई वैल्यू से ट्रीट करते हैं और पता चलता है कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो अगर ये आपके पास कैपिटल ए टू जेड हैं तो इसका एस्काई वैल्यू होगी 65 to 90, स्मॉल ए टू जेड हैं तो ये है 97 to 122, 0 to 9 डिजिट्स हैं तो ये हो जाएगा 48 to 57 और स्पेशल सिंबल की रेंज गिवन है 0 to 47, 58 to 64, 91 to 96, 123 to 127। ये एक एस्काई वैल्यू का चार्ट है जिसमें आप किसी भी डिजिट्स का एस्काई कोड देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास कोड गिवन है और राइट साइड में उसके सिंबल्स गिवन है, तो आप इसमें देख के ये भी गेस कर सकते हैं कि किसका कौन सा एस्काई वैल्यू का कोड होता है, किसका कौन सा सिंबल होता है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ 0 से लेकर 127 तक और इसमें आपके पास टोटल होते हैं 255 तक, तो आप इसमें सारा देख सकते हैं और इसी क्वेश्चन को अपेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। चलते हैं प्रोग्राम पे। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हेडर फाइल हमने दोनों ले ली, वाइड मेन से क्वेश्चन स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस लगा दिया। अब सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपसे कह रहा है कि एक कैरेक्टर एंटर करवाना है, तो उसके लिए हमने एक कैरेक्टर ले लिया कैर टाइप का, सी नाम का, आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन लगाएंगे। क्लियर स्क्रीन लगा दी हमने, इससे आउटपुट विंडो ब्लैंक आ जाएगी ताकि हमारा ही आउटपुट उस पर डिस्प्ले हो। अब हम इसे स्कैन करवाएंगे। हमने प्रिंट एफ में मैसेज दे दिया डबल कोट्स के अंदर एंटर द कैरेक्टर और स्कैन एफ से परसेंट सी से ही परसेंट हमने एम परसेंट लगाकर सी को स्कैन करवा लिया, क्योंकि कैरेक्टर करना है इसीलिए हमने परसेंट सी से ही से स्कैन करवाया। अब कंडीशन लगाते हैं, हम कंडीशन टेबल के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो कंडीशन लगा दी हमने इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया, सी ग्रेटर देन एंड इक्वल है 65 के। क्यों? क्योंकि कैपिटल की रेंज थी 65 से इक्वल या इसके अबव हो, तो वो लगा दिया। एंड सी लेस देन एंड इक्वल है किसके, 90 के। जेड के लिए हमने 90 रखा हुआ इसमें, तो इस रेंज के अंदर हमारे पास 26 कैरेक्टर्स, यानी कि आपके पास अल्फ़ाबेट में जितने भी सीडी होते हैं ये कितने होते हैं आपके पास, 26 होते हैं, तो ये पूरी रेंज इसके अंदर आ जाएगी 26। तो अगर ये इस रेंज में आ जाता है तो क्या हो जाए, कैपिटल लेटर है, यानी कि ये ए बी सी डी कैपिटल वाले शो करें मैसेज को। अगर एल्स इफ, नेक्स्ट कंडीशन, सी की जो रेंज है वो C greater than equal है 97 के and C less than है equal है 122 के, तो क्या हो जाइए, small case letter, यानी कि alphabets छोटे वाले हैं, ये message show कर दे। फिर से else if, तीसरी रेंज है हमारे पास 48, तो C greater than equal है 48 के and C less than 57 के हैं, तो क्या है, एक digit है, यानी कि अगर 48 से लेकर 57 तक हम काउंट करें तो ये आपके पास 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट्स हो जाते हैं। तो इस बीच का अगर कोई सी भी संख्या है, कोई सा भी अगर आपके पास सिंबल है, तो वो क्या होगा, एक डिजिट हो, तो ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट में स्पेशल सिंबल, एल्स इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के और सी लेस देन है और इक्वल है 47 के, तो क्या हो जाए, एक स्पेशल सिंबल आ जाए। तो लास्ट में बचता है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल की रेंज आपके पास चार पार्ट में है, तो देखिए किस तरह से हम इसे करेंगे। एक ब्रैकेट में हमने पहली रेंज दी 0 to यानी सी
ग्रेटर है एंड इक्वल है जीरो के, एंड एंड सी लेस देन है एंड इक्वल है 47 के। बाद में इसे हमने और ऑपरेटर से जोड़ दिया और दोबारा पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसमें हमने दूसरी रेंज लिख दी। फिर 91 टू 96 वाली थर्ड रेंज लिख दी पैरेंथेसिस से स्टार्ट करके और फिर हमने लास्ट वाली रेंज लिख दी। इस तरह से हमने चारों को और ऑपरेटर से जोड़कर डबल पैरेंथेसिस से बंद कर दिया। इफ स्टेटमेंट को ध्यान रखना, सेमीकोलन से नहीं बंद करेंगे, अदरवाइज ये सही से रन नहीं होगा और आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, एरर भी शो कर सकता है। बाद में प्रिंट एफ में हमने मैसेज दे दिया क्योंकि ये सिंबल चार पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो हमने मैसेज में दे दिया स्पेशल सिंबल, ये चारों को एक साथ में रन कर सकता है इस तरह से। और बाद में हमने गेट सी एस प्रोग्राम को बंद कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। तो ये हमने सिंपल प्रोग्राम किया है जिसमें हमने किसी भी नंबर की, किसी भी करेक्टर की स्काई वैल्यू क्या होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करके बता देगा कि ये करेक्टर में आता है या फिर डिजिट्स में आता है, इस मेल्क कैपिटल लेटर में आता है या स्मॉल लेटर में आता है। तो आइए रन करते हैं इसे, रन में गए और हमने इसे रन कर दिया। अब ये कह रहा है कोई भी कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हैं। देखिए अब हमने स्मॉल लेटर ए एंटर कर दिया, तो आपको पता है ये स्मॉल लेटर है तो ये मैसेज आ गया स्मॉल लेटर। ऐसे ही हमने कैपिटल लेटर एंटर कर दिया तो ये बता देगा ये कैपिटल लेटर है। अब हम कोई डिजिट एंटर कर देंगे, हमने 6 एंटर कर दिया तो ये बता देगा ए डिजिट, यानी कि ये डिजिट है। इसके साथ सिर्फ के साथ कोई हम स्पेशल सिंबल दबा देंगे, हमने परसेंटेज का सिंबल दबा दिया और अब हम एंटर करके चेक करेंगे तो बता देगा ये स्पेशल सिंबल है। तो आप इससे अपने कीबोर्ड के किसी भी की को चेक कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। प्रोग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपको हमारे वीडियो से फुल नॉलेज मिल चुकी होगी। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट ले सकते हैं। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स पर शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।